ये है भाई महिंद्रा का ट्रियो प्लस, जिसकी चार्जिंग एंड बैटरी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों ये आप चार्जिंग देख सकते हैं, जो चार्जर भी यहाँ पर दिया गया है एक बेहतरीन क्वालिटी का चार्जर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ग्रीन वायर इसमें दी गई है और नीचे भी जो वायर दी गई है काफ़ी मोटी वायर का यूज़ यहाँ पर किया गया है। आज हम इस व्हीकल के बारे में पूरा रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ट्रियो प्लस में दोस्तों आपको बेहतरीन रेंज मिल जाएगी, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया है, बेस्ट इन क्लास व्हील बेस में, व्हील बेस भी इसकी काफ़ी बढ़िया है और जो स्टेबिलिटी है वेल एंड गुड है, हिल होल्ड असिस्ट भी यहाँ पर मिल जाएगा, परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको चार्जिंग इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप रिक्शा लेते हैं तो उसके लिए बैटरी और चार्जर का बढ़िया होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों यहाँ पर जो चार्जर यूज किया जा रहा है, ये जो चार्जर है 15 एम्पेयर का है, जो कि ऑफ बोर्ड चार्जर है, वो आप देख ही सकते हैं। वायर आप देख सकते हैं जो कि कनेक्ट की गई है बैटरी के साथ में, काफ़ी मोटी वायर का यूज़ किया गया है। दूसरा जो चार्जर वाला जो प्लग इन वाला वायर है वह भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी दूर तक ले जाकर चार्ज कर सकते हैं और यहाँ से इसको ये आप उठा सकते हैं। इसमें वज़न है काफ़ी अच्छा, जो वज़न है वो दिया गया है और एक साइड में फ़ैन भी इसमें देखने के लिए मिल जाता है जिससे कि इसको कूलिंग मिलती रहे। चार्जिंग के लिए आप डिस्प्ले पर भी शो देख सकते हैं कि बैटरी चार्ज हो रही है तो वो शो कर रहा है, रेड जो है बना हुआ आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सॉकेट भी दिया गया है जो कि 12 वोल्ट का है, जिससे कि आप चार्जिंग के लिए एक पॉइंट जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। गाइस यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ कि ट्रियो प्लस जो है इसमें दो वेरियंट आते हैं, एक तो सॉफ्ट टॉप और दूसरा हार्ड टॉप। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ सॉफ्ट टॉप का है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, वज़न का अंतर रहता है बस। बैटरी सेम मिलेगी आपको, मोटर सेम मिलेगी, सब कुछ सेम मिलेगा, लेकिन बस ये हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप है बस इसी का अंतर मिल जाता है। यहाँ पर आप सामने देखेंगे तो सस्पेंशन कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं, टायर्स आप देखेंगे तो 12 इंच के तीनों टायर्स मिलने वाले हैं, साथ साथ स्टेपनी भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। सस्पेंशन गाइज आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छे जो सस्पेंशन हैं वो यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। हेलिकल स्प्रिंग मिलने वाला है प्लस हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलेगा डैम्पर के साथ में, और टायर्स आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया जो है ग्रिप यहाँ पर मिलने वाली है। ये आप देख सकते हैं साइज़ जो है दिया गया है, 12 इंच के टायर्स हैं। रियर में सस्पेंशन जो मिलेंगे गाइस रिजिड एक्सल विद लीफ स्प्रिंग एंड हाइड्रोलिक डैम्पर के साथ में मिलने वाले हैं। सामने आप देख सकते हैं जो कि वाइपर मिल जाता है और जो वाइंड शील्ड दी गई है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर देखा जाए तो जो इसकी कैनोपी है ना गाइज, तो कैनोपी में वेदर रेजिस्टेंट फ्लेक्स कैनोपी मिलेगी जो कि काफ़ी बढ़िया है, यानी कि धूप वगैरह में भी बढ़िया है। सीट आप देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिल जाएगी, पैसेंजर की भी और ड्राइवर की भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। यहाँ पर ग्लो बॉक्स देख सकते हैं जो कि लोकेबल है, यानी कि लॉक लगा सकते हैं, पैसे वैसे इसमें रख सकते हैं। हाथ ही में मिल जाती है आपको रेस, यहाँ पर मिल जाते हैं कुछ स्विचेस जिनसे कि आप जो है मोड वगैरह दिए गए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर दिए गए हैं। मोड के बारे में भी हम जो है बताएंगे। लिथियम आयन बैटरी जो मिलने वाली है 48 वोल्ट की है, 10.24 किलोवाट की है, जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी मिलने वाली है। गाइस अगर मैं रेंज की बात करूँ तो आपको काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाएगी, यानी कि अगर आप इसको एक बार चार्ज करेंगे तो एक बार चार्ज करने पर यह 150 किलोमीटर की रेंज जो है पकड़ लेता है, यानी कि रेंज में काफ़ी बढ़िया है। और इकलौता ये एक ऐसा व्हीकल है जिसकी सबसे ज़्यादा महिंद्रा में सबसे ज़्यादा जो है रेंज मिलने वाली है। पीछे से आप ये टायर्स का जो है गैप देख सकते हैं ना कितना ज़्यादा है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई आप ये कह सकते हैं इसकी जो चौड़ाई है अदर रिक्शा से ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों यहाँ पर जो है आपको परफॉर्मेंस जो है इसमें आपको बढ़िया मिल जाएगी। अब दोस्तों इसकी चार्जिंग की बात कर लेते हैं कि भाई चार्ज कितने टाइम में हो जाएगा। वही कंपनी कहती है कि 3.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 4 घंटे में ये चार्ज हो जाता है, लगभग 4 घंटे में चार्ज हो जाएगा। काफ़ी फास्ट जो है चार्जर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। इलेक्ट्रिक का बैजिंग पीछे मिल जाएगी, कैनोपी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है। मोटर की बात कर लेते हैं तो 8 किलोवाट की मोटर है यहाँ पर, जिसकी जो टॉर्क है 42 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। जो इसकी मोटर है दोस्तों डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, IP67 की रेटिंग यहाँ पर मिलने वाली है। अगर ओवरऑल कॉस्ट की बात करें कि भाई इसको एक बार चार्ज करने में लगभग कितना कॉस्ट आ जाएगा, तो देखो ये जो है वेरी करता है कि आप सिटी से हैं गांव से हैं। मैंने एक छोटा सा मिनिमम एवरेज निकाला है तो लगभग 7 से 8 रुपये लगते हैं एक बार चार्ज करने पर। आप 150 किलोमीटर चले जाएंगे, यानी कि 7-8 रुपये में आप 150 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं गाइज। ये है, बाकी सिटी वाइज वेरी करता है कि भाई जो बिजली का जो चार्ज है वो कितना जा रहा है।
यहाँ दोस्तों ना आप देख सकते हैं, ये वाइपर के लिए है, ये हज़ार्ड जो लैंप दिए गए हैं उसके लिए है, ये लाइट्स के लिए ऑप्शन यहाँ पर अलग से बटन दिए गए हैं। यहाँ नॉर्मल डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, आपको वीडियो में दोस्तों लग ही रहा होगा। और पीछे की जो सीट है ये भी काफ़ी कम्फर्टेबल सीट है, और यहाँ से इसको जो है लॉक करना, ये फाइबर दिया गया है और फाइबर की जो क्वालिटी है नॉन ब्रेकेबल है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी दी गई है। पार्टीशन भी इसका जो है फाइबर की बाउंड्री बनाकर जो है पार्टीशन किया गया है। और गाइस ये देख सकते हैं अंदर से भाई जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो दिया गया है। और भाई मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर ये जो बिल्ड क्वालिटी है बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आपने जो है पैसा कहीं ख़राब जगह पर लगा दिया है। बाकी गाइज अगर आपने किसी ने जो है ख़रीदा हो तो कमेंट में कमेंट करके बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी यहाँ पर भाई ग्रेडेबिलिटी मिलती है 12.5 डिग्री की, वजन है भाई 701 kg का ये कैनोपी वाले का, और हार्ड टॉप में लेंगे तो 713 kg का मिलने वाला है। लेंथ है भाई इसकी 2769 mm की, और विद है इसकी 1350 mm की, हाइट है इसकी 1750 mm की। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 142 mm का ये पीछे स्टफनी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जो टर्निंग रेडियस है 2.9 मीटर का टर्निंग रेडियस यहाँ पर दिया गया है। तो गाइज अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो क्वालिटी है मटेरियल है काफ़ी बेहतरीन, जो मटेरियल है उसका यूज़ यहाँ पर किया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भाई इसकी कि या जो इसमें और क्या क्या फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं टेलीमेटिक्स यूनिट एंड GPS भी यहाँ पर दिया गया है। टीरियो प्लस पीछे आप देख सकते हैं जो ब्रांडिंग जो है की गई है। बाकी ओवरऑल इसमें जो जैसे कि हज़ार इंडिकेटर्स का है वो उसका में यूज़ किया गया है, और इसमें रूफ माउंटेड ग्रैब हैंडल बार का यूज़ किया गया है जो कि क्वालिटी बढ़िया है। ड्राइविंग मोड की अगर बात करें यहाँ पर तो दो मोड मिल जाएंगे, एक तो इकोनॉमी मोड एंड एक है बूस्ट मोड। गाइज यहाँ पर जो है लोकेबल ग्लो बॉक्स है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। ड्राइविंग मोड में अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड न्यूट्रल और रिवर्स के जो ऑप्शन है वो भी मिल जाते हैं। अब दोस्तों मैं एक चीज़ इसमें दिखा देता हूँ, जो आप ये देख सकते हैं व्हील में फोर जो बोल्ट हैं, फोर बोल्ट हैं इसमें जो माउंट किए गए हैं। बड़े बड़े व्हीकल में कभी कभी आपने देखा होगा कि वो तीन बोल्ट ही रखते हैं, और एक बैटरी यहाँ पर भी मिल जाती है आपको। ये आप देख सकते हैं जो पीछे की तरफ ही दी गई है, एक साइड की बैटरी है, यानी कि आगे भी आपको बैटरी मिलती है जिससे कि मेन रेंज निकलेगी, और पीछे की जो बैटरी है वो इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसकी जो रेंज है वो काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि मान लो इसको स्टार्ट करना है लाइट्स वगैरह तो वो वहाँ से ले लेता है इसको एनर्जी। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर एक बैटरी और भी मिल जाती है पीछे एक साइड की, और ये बीच में जो मिलती है ये एक लिथियम पैक मिलने वाला है। और ऑटो में, ऑटो सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा जो बैटरी पैक है वो यहाँ पर मिलने वाला है। 150 किलोमीटर से ऊपर जो है कोई भी ऐसी रिक्शा नहीं है जो 150 किलोमीटर से ऊपर जाए, लेकिन इकलौती ये ऐसी रिक्शा है जो 150 किलोमीटर तक चली जाती है, और काफ़ी जो रेंज है इसकी काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला जो है ये ऑटो बन चुका है अभी तक इंडिया में। अगर इसके प्राइस की बात करें तो लगभग 3.5 लाख का एक शोरूम प्राइस इसका आ जाता है दोस्तों।